नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं देश की जानी मानी शख्सियत रघु ठाकुर, जिन्होंने देश में जन आंदोलन खड़े किए और आज भी सतत आंदोलनरत हैं। ठाकुर साहब, सर्वप्रथम आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद। किस ढंग से आपको प्रेरणा मिली और कैसे आप जो है जन आंदोलन खड़ा करते रहे? देखिए, जब मैं विद्यार्थी था तो हमारे विश्वविद्यालय के सागर विश्वविद्यालय के एक सहायक कुल सचिव थे लक्ष्मण भारद्वाज जी। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इसके साथ साथ वो डॉक्टर लोहिया के बहुत अनुयायी थे, नज़दीक थे। तो उन्होंने हमारा लोहिया साहित्य से संपर्क कराया और लोहिया साहित्य को पढ़ के हम राजनीति में आए। और 63 में सबसे पहले हम लोहिया की पार्टी के युवा शाखा के मेंबर बने। फिर छात्र आंदोलनों में रहे। फिर जब छात्र जीवन से बाहर आए तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के मजदूर संगठन थे, जैसे सागर में रिक्शे वालों का था, टेम्पो वालों का था, बीड़ी वालों का था, अगरबत्ती वालों का था, इस सबके संगठन बनाना शुरू किए। और वो फिर संगठन बनाते बनाते लगातार काम चलाते रहे। क्या लगता है कि ये जो प्रेरणा थी आपको, ये बाय बर्थ रही आपको कि आगे धीरे धीरे डेवलप देखिए, होती रही? हमारे परिवार में हमारे पिताजी जो थे वो फ्रीडम फाइटर खुद भी थे। और क्योंकि उनकी मृत्यु जब हम काफ़ी छोटे तब हो गई, परंतु उनके जो संस्कार हैं फ्रीडम मूवमेंट के, वो तो हमको घर से मिले। हमारे पिताजी माताजी दोनों लगातार जीवन में खादी पहनते रहे और गांधी के सोच से प्रभावित थे। तो प्रेरणा तो अपने परिवार से, पिताजी से मिली, माँ से मिली। और उसके बाद में फिर सार्वजनिक जीवन में आने की प्रेरणा भरतदत्त जी से मिली। और उस प्रेरणा को मिलने के बाद फिर लगातार रास्ता खोजते रहे। जन आंदोलन को लेकर के आपने काम किया बुंदेलखंड, क्योंकि बहुत सूखा माना जाता था और जो आंदोलन बड़ा व्यापक व्यापक था, तो उसमें बहुत आपको रोकने के प्रयास भी हुए थे। लोग तो रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु हमने लगातार एक के बाद एक संघर्ष करते रहे। जब से हमारे शहर में पानी के सवाल को लेकर जब आंदोलन शुरू किया, तो उस समय जल का बड़ा संकट था और एक लंबा अनशन उपवास हमने समय किया। जहाँ तक हमको भी स्मरण आ रहा है कि शायद ये 75 के बाद है और करीब 15-16 दिन का हमने उपवास किया था। तो उसी समय जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हो गया था और जयप्रकाश जी जौलपुर आए थे, तो उनको मालूम पड़ा कि हम उपवास कर रहे हैं, पानी के सवाल को लेकर कर रहे हैं। तो जयप्रकाश जी ने वहाँ आम सभा में कहा, वहाँ के लोगों से, जो लोग का नारा लगा रहे थे, विद्यार्थी रहे थे, बहुत बड़ी सभा थी, कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इस नारे लगाने से क्या हुआ? आपको प्रेरणा लेनी चाहिए जाके वहाँ पर जो व्यक्ति पानी के सवाल को लेकर आंदोलन कर रहा है। और उसका परिणाम क्या कि सैकड़ों की संख्या में लोग जोधपुर से सागर पहुँच गए। तो जनसंघर्षों के साथ लगातार नाता हमारा जुड़ा रहा और अंचल के विकास को लेके, अंचल के पानी की समस्या को लेके, अंचल के रेल समस्याओं को लेकर के, इन सबको भी लेके लगातार रहते रहे। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के साथ भी लगातार हमें कुछ सहभागिता रही। जैसे जब 1974 में रेल हड़ताल हुई, ये हुई थी 8 मई 1974 को, उस हड़ताल में हमने भाग लिया, उसमें भी हम गिरफ्तार हुए और जेलों में रहे, आपातकाल के दौरों में भी जेलों में रहे। और जेल तो एक प्रकार से हम लोगों का उपनिवास जैसा बन गया था। अभी जरूर थोड़ा सा जेल जाना कम हो जाता है, इसलिए कि जब आदमी को थोड़ी शोहरत मिल जाती है तो व्यवस्था उसके प्रति थोड़ा उदारता प्रकट करने लगती है। तो चाहने के बाद भी कई बार जेल नहीं मिल पाती है। 1975 में जब अचानक आपको एक दिन पुलिस उठा करके ले गई थी, आपातकाल का दौर था और आपातकाल को आपने बहुत करीब से देखा है और उसको उकेरा भी है शब्दों में आपने, तो थोड़ा बताइए कैसा दौर था और अचानक क्यों ले जाया गया आपको, उसके पीछे क्या मंशा रही उनकी? देखिए, हम तो बताया कि जो हम पानी के सवाल को लेकर उपवास कर रहे थे, तो लंबा उपवास था। हम उपवास के समाप्ति के बाद फिर घर आके आराम कर रहे थे एक दिन, और रात को अचानक 12-1 बजे पुलिस के लोग आए। तो उन्होंने कहा कि भाई, आपके लिए गिरफ्तार किया जा रहा है।
तो हमने पहले तो उससे कहा भाई जब गिरफ्तार करना था तब तो किया नहीं, अब क्यों कर रहे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि हमको भी नहीं पता कि क्या बात है, पर आदेश आएगा गिरफ्तार करो। तो हमने कहा ठीक है, परंतु हमारी दो शर्त हैं। एक तो है कि हम पुलिस की हवालात में नहीं रहेंगे क्योंकि हमारा शरीर अभी कमजोरी में है, तुमको तो आप रात को जेल भेजो, तो हम जेल चले जाएंगे। दूसरा हमारे लिए एक सहयोगी आवश्यकता है साथ में, तो हमको भी नहीं पता कि जेल इतनी लंबी हो जाएगी, तो हमें हमारे मित्र हैं उनको आप ले आइए साथ में। तो उनको भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया हमारे कारण से, और हमको रात को जेल खुलवा के जेल पहुंचा दिया। ये तो बाद में मालूम पड़ा प्रशासन के लोगों को भी पता नहीं था कि क्या चीज़ है, बस इतना था कि गिरफ्तार करना है, क्योंकि आपातकाल क्या होगा, इसका क्या स्वरूप होता होगा, ये किसी की कल्पना के परे था। संविधान में पढ़े जरूर थे कि भाई आपातकाल होता है, परंतु कभी उसका वैसा अनुभव हमको पहले उसके नहीं आया था। पर जब जेल पहुंचे तो फिर जेल में, सागर जेल में पहले रहे 2 दिन, फिर जेल के लोगों ने सोचा कि भाई ये जेल आपातकाल लग गया है, बड़ा भय है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो उनने फिर हमको वहाँ से स्थानांतरण कर दिया जौनपुर जेल में। तो जौनपुर जेल पहुँच गए। अब जौनपुर जेल में जब थे तो तब तक इसके सारे जो पन्ने थे खुल के आ गए थे कि भाई आपातकाल क्या है, कैसा लगा है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड है, न्यायपालिका के अधिकार उस पर कोई लागू नहीं है, वो उसको सस्पेंड किया गया है, प्रेस की सेंसरशिप है, एक प्रकार से आज़ादी ख़त्म है। अब सवाल था कि इसका प्रतिकार कैसे करें, तो उस प्रतिकार को करने का रास्ता सोचा कि भाई चलो 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है, हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पुतला जलाएंगे। तो उसकी तैयारी हम करते रहे अपने बैरक में धीरे धीरे। और अच्छा, आपके साथ और 3 लोग भी थे? हाँ, हमारे साथ नहीं दिया वहाँ, तो उस समय हमारे साथ में करीब 4 लोग थे, और विनय जैन जी और विमल जैन, विमल जैन जी थे, विमल जैन थे, लक्ष्मण यादव थे, एक सदन सिंह चौहान हैं वो थे, और एक सज्जन और थे। तो हमने 2 अक्टूबर को सुबह पुतला जाके जलाया। अब स्वाभाविक था कि जेल के सुप्रिंटेंडेंट, जो उनको अनुमान तो था, उससे जब हमको सागर जेल से जौनपुर जेल भेजा गया हो तो उनको ये बता दिया गया हो कि आदमी जरा नोटोरियस है। आपके आप पे नजर रखने के लिए भी कोई शख्स थे जो आप वो रिपोर्टिंग करते थे वहाँ पे कहीं भी? हमें लगता है कि हमारे बीच में से एक सज्जन थे, क्योंकि जो जेल सुप्रिंटेंडेंट में होते थे उस समय मिस्टर घोले थे। तो जब हम पहुँच गए वहाँ, तो जिस जगह हम रुके थे, प्रतिदिन हमारे यहाँ एक गोल चक्कर होता है जेल में, तो गोल चक्कर से वो जो आसपास के बैरिक होते हैं उनको देखते हैं, और उसमें एक सब जिला इंचार्ज होता है, पर प्रतिदिन जेल सुप्रिंटेंडेंट वहाँ आते थे। और जो हमारे साथ में लोग थे उनमें से एक मित्र से कहते थे कि भाई देखो ऐसा है कि गवर्नर करना, रघु जी के पहले जाकर रखना, देखते हैं कि गवर्नर कर दें, और तो उनको चाय भी पिलाते थे बैठा के, तो वो भी प्रसन्न थे कि चलो जेल सुप्रेंट हमको चाय पिला रहे हैं, ये बड़ा अच्छी बात है, थोड़ा प्रभाव हो रहा है। पर उनको हम समझ गए थे, उनको हमने बताया नहीं कि हम ये पत्ता जलाने वाले हैं। और उस दिन भी जेल सुप्रेंडेंट आके 2 तारीख को उनको सुबह बुला के बिठा लिया और चाय पिला रहे थे। पर जब हमने पतला जलाया और फिर उन्होंने जो पगली घंटी होती है वो घंटी बजाई, अलार्म करा दिया, लाठी चलाना शुरू किया, तो उन्होंने उस सज्जन को बहुत मारा। उनको लगा कि इनको पता था, इन्हें बताया नहीं है, हालांकि उनके बेचारों का दोस्त नहीं था, उनको नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं। और वो बाद में बड़े दुखी होकर बोले भी हमसे, कह रहे भाई तुम तो हमको बाहर तो नहीं दिया, यहाँ बुलवा लिया, आप तो यहाँ भी चल सके। तो ऐसे वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। फिर हमको एक जगह है जौनपुर जेल में, सेग्रीगेशन कहलाती है। तो सेग्रीगेशन में पहले जो लोग ऐसे लाइलाज बीमारियों के बीमार होते थे, किसी को कोढ़ हो गया, किसी को टंका हो, जो उस समय माने जाते हैं उस दौर में लाइलाज है, तो उनको जेल के बाहर एक जेल सा बनाया हुआ उस पर रख देते, कूदते थे सेग्रीगेशन। तो फिर हमको मारपीट करने, लाठी लाठी चार्ज के बाद में वहाँ ले गए, और एक बैरक भी, हम अकेले थे उस पूरे सेग्रीगेशन में, तो उसमें उन्होंने हमको निर्वस्त करके रखा। हमारे पास अंडरवियर भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे,
मैंने पहली बार हमको भी अपनी स्मृति में, आप बच्चे जब छोटे रहे होंगे तब तो निर्वस्त कभी रहे होंगे, पर अपने वैसे जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं था। तो उस अनुभव को साथ भी कई महीने हमने वहाँ गुजारे, और बस एक छोटी सी बैरिक थी, उस बैरिक में एक संडास का पाट रखा था, तो उसमें संडास हो लेते थे, वहीं पे खाना आ जाता था। दिन में 2 बार बैरिक खुलती थी, सुबह एक पाट वाला सफाई करने वाला आता था, वो खुल लेता था, और उसके बाद में फिर दोबारा आके खाना डाल देते थे। तो ऐसे हम उसमें कई महीने रहे वहाँ, और उसका बड़ा आनंद भी लिया हमने। अपने बचपन से जितने गाने हमने सुने थे उन सब गानों को हमने गाया वहाँ पर। अब अकेले थे, क्या करते, सब ये करते रहते थे, कुछ पढ़ने को भी नहीं था, कुछ कोई आता ही नहीं था, क्या बीत ही सकता था। फिर अचानक दिन दरवाज़ा दोपहर में खुला वहाँ के सगरी सर का, और एक असिस्टेंट जेलर रैंक के अधिकारी आए, उन्होंने हमको कपड़े दिए, तो हमको लगा कि मतलब गड़बड़ है, अचानक इतने मेहरबान क्यों होंगे कि हमें कपड़े लेके आए हैं, 2 महीने से हम यहाँ नग्न अवस्था में हैं पूरे। तो हमने से पूछा कि भाई क्या बात है, बोले नहीं सब पता नहीं है, भी आदेश आया कि कपड़े आपको दे दें। चलिए फिर कपड़े पहन लिए। तो उस दिन हमको पहली बार एहसास हुआ कि कपड़े पहनने और नहीं पहनने के बीच का अंतर क्या है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में जेलर महोदय आए, तो उन्होंने कहा कि एक चमार साहब थे, वो जेलर थे, उन्होंने कहा कि साहब आपको जेल सुपरिंटेंडेंट मिलना चाहते हैं, बुलाया है। तो हमने भाई हम तो नहीं मिलना चाहते हैं, परंतु हम तो बंदी हैं। बहरहाल वो हमको वहाँ से ले गए, और जेल सुपरिंटेंडेंट के कमरे में हमारे साथ के जो भी संबंधी लोग थे, वो कुछ लोग बैठे हुए थे, उसमें अभी जिनके आपको नाम स्मरण में आ रहा है, तो बाबूराव परांजपे थे, अभी नहीं है, निर्मल चंदन थे, वो भी जिंदा नहीं है, एक पुरुषोत्तम संघी जी, वो जी जिंदा नहीं है, लक्ष्मण नायक जी थे जो उस समय विधायक थे टीकमगढ़ से, निवाड़ी से, वो समाजवादी थे वो, तो ये 3 लोग जनसंघ आरएसएस वाले थे, परांजपे जी, निर्मलचंद जी और संघी जी, तो लक्ष्मण नायक जी थे, और एक नौजवान थे बच्चन नायक जो बाद में विधायक बने, वो भी इसमें शामिल थे। तो वहाँ पे आके उनसे बातचीत हुई, उन्हें जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि भाई ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और जेल सुपरिटेंडेंट उठ के थोड़ा चले गए। अब उनने हमसे कहा कि रघु जी, ऐसा है कि यहाँ के सर लड़कों ने, नौजवानों ने जो जेल में बंद हैं, इन्हें ये अनशन शुरू कर दिया है, उनकी समझ है कि आपकी हत्या हुई, मौत हो गई है, तो वो लोग मानने को तैयार नहीं है, और अगर हम आप वहाँ नहीं जाएंगे और आप अनशन को नहीं तोड़वा सकेंगे, तो हम लोग पर नहीं टूटेगा, कि हमको तो वो लोग गालियाँ बकते हैं कि तुम लोग गद्दारी कर रहे हो, मिल गया हो, अब बताइए जेल में हम लोग क्या करें, यहाँ हैं, अब खाना भी नहीं खाए, कैसे रहें। तो हमने उनकी बात को सुना, और हमको अंदाजा लिया कि अगर मान लो हम उनसे कहें कि नहीं नहीं साहब उनको अनशन करना चाहिए, नहीं तोड़ें, तो ये फूट पड़ जाएगा, क्योंकि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उम्र दराज लोग हैं, और जेल में उपवास करने का कोई बहुत वैसा कारण नहीं बन सकता था, क्योंकि फिर वो क्या करते हैं कि वो लोग को यहाँ से वहाँ भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, हटाते हैं। तो फिर हमने कहा कि नहीं ठीक है, हम आपकी बात को रखेंगे। तो फिर हमारी बात सभा हुई, सभा में हमने जाके अपील की, बताया, सब देख लिया कि अब जिंदा है, क्योंकि सबको भ्रम था कि मर गए हैं, 2 मिनट से देखे नहीं थे, किसी ने पता नहीं था। और उस समय मैं फिर अपील करने वाला, तो सारे लोगों ने अनशन को तोड़ दिया, और उसके कीमत हमको जेल सुपरिटेंडेंट ने दी, कि फिर उन्हें हमको वहाँ से इंदौर सीआई जेल भेज दिया। ये ठाकुर साहब जो अभी हम बता रहे थे कि आपातकाल की स्थिति क्या थी, अभी हम और आगे की चर्चा में बात करेंगे कि वर्तमान में समाजवाद जो था वो किस दौर पे है, और क्या आखिर इतने बड़े समाजवादी पार्टी की स्थिति क्यों सिमट के रह गई। वही वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।